हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो आज एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो है निकल के आई है। वो न्यूज़ क्या है तो सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाद में घंटी को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, अब जो है नेशनल हाईवे पर कोई भी ब्रेकर नहीं रहेगा। सरकार का जो है न्यू आदेश आया है ये, और बहुत ही बढ़िया फैसला है। देरी से लिया हुआ फैसला है, लेकिन बहुत अच्छा फैसला सरकार ने लिया है कि अब जो भी नेशनल हाईवे पे है कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं होगा। उनका जो है जल्दी से काम चल रहा है, सभी ब्रेकरों को जो है सरकार ने हटाने का फैसला ले लिया है। तो ये आज ही घोषणा की हुई है, पहले ये घोषणा नहीं थी कि ऐसे कोई ब्रेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हादसे और एक्सीडेंट जो हैं स्पीड ब्रेकर से होते हैं। क्योंकि जहाँ पर सरकार लंबे रास्तों को छोटा करने में लगी हुई है कि जल्दी जो है रास्ता निकल जाए और तेज गाड़ियाँ जाए, लेकिन ऐसा ही गड़बड़ होता है कि कहीं पर सफ़ेद पट्टी बनी हुई होती है नेशनल हाईवे पे, तो ड्राइवर जो स्पीड में होता है तो गाड़ी एकदम से पलट जाती है। कई बार ज़्यादा ब्रेक लेने के कारण पिछली गाड़ी भी एक्सीडेंट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे हुए सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला हमारे जीवन में लिया है। जो भी ट्रक ड्राइवर है उनके लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक ज़रूर कर देना, और इस फैसले के ख़िलाफ़ आप कितने जो है संवेदनशील है और कितना आपको ये फैसला अच्छा लगा है, क्योंकि ब्रेकर नेशनल हाईवे पे नहीं होने चाहिए। हाँ, ये सरकार का एक और नियम भी है कि स्कूल या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर भीड़ हो, मंदिर हो, वहाँ पर इन ब्रेकरों को रखा जाएगा और किसी भी जगह पर नहीं रखा जाएगा। तो ये कुछ न्यू थी आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे। तो चलिए एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।